पेशावर का तारीखी चित्राली बाजार, जहां पर गाय और बकरी के चमड़े से तबले और रबाब बनाए जाते हैं। वक्त के तपेले ने इस कारोबार को मदम कर दिया है, तहम आज भी इस बाजार में तबले और रबाब की मधुर आवाज कभी कभी सुनाई देती है। मिट्टी के डोल से लेकर लकड़ी और अब पीतल के डोल से बनने वाले तबले बनाने वाले कारीगर बहुत कम है। मिट्टी उस्ताद के वालिद रहीम बख्श ने तकसीम हिंद से कबल ये कारोबार शुरू किया और कई दहाइयों के बाद आज भी ये काम जारी है। बकरी के चमड़े को खुश्क करके अलग करना, फिर इसे डोर पर लगाना और इसे सुर निकालना एक फन है। इस काम को ऐब ही समझा जाता है, मगर इस शोबे से वाबस्ता अफराद इसे फन की खिदमत करार देते हैं। नई चीज बाजार में लिखते हैं कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं, ये तबले वगैरह ठीक कर रहे हैं, बाबू हमारे साथ नज़दीक होते हैं, हमें पता है इनकी खुशबू का कि ये क्या कह रहे हैं। उसमें बाज़ लोग बंदे ऐसे भी कहते हैं कि आप कोई और भी काम कर सकते हैं, कर लें, तो हम उसका बुरा नहीं मनाते हैं। मौसीकी की जुबान को समझने वाले मिट्टी उस्ताद के भाई चांद भाई नसर प्रभाव बनाने के माहिर हैं, बल्कि इसे बजाने में भी इनका कोई सानी नहीं। पश्तो मौसीकी में अलग पहचान रखने वाले रबाब और तबले के काम को समझने के लिए मौसीकी का समझना भी जरूरी है। ताहम इस फन से वाबस्ता अफराद के मुताबिक तेज रफ्तार और मौसीकी की जदीदियत ने इन आलात की अहमियत घटा दी है। जैसे बड़ी बड़ी किताबें हैं उसमें जो टीचर हैं वो उसके ऊपर तजुर्बा करते हैं, तो इस तरह ये भी एक फील्ड है, ये भी एक चैप्टर है, इसको अगर खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ है। पश्तो मौसीकी में तबले और रबाब की खास अहमियत है, यही वजह है कि आज भी दूर दराज के इलाकों में इसे बजाने के लिए मखसूस अफराद हैं और इसे ठीक करने के लिए ही मखसूस एक्सपर्ट के साथ लाया जाता है। ये बाम है, इसे ठीक करने के लिए पेशावर लाते हैं पुरम एजेंसी से, क्योंकि यही उस्ताद से। तबले और रबाब के काम से वाबस्ता इन माहिरीन के मुताबिक वक्त की जिद्दत ने न सिर्फ मेहंदी माही और हजरे का कल्चर खत्म कर दिया, बल्कि इससे इनका रोजगार भी खत्म होकर रह गया है। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।